आसानी से टूट जाता है। कुकीज भी अगर आपको कंपेयर करना है खाना है तो बाहर के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, कैफे डे वगैरह होते हैं जहाँ कॉफी वगैरह मिलते हैं, वहां पे आप कुकीज सजेस्ट कीजिए, या आप अच्छी क्वालिटी का कुकीज अच्छे रेस्टोरेंट में मिलता है वहां पे आप खाएंगे तो आपको फिर कंपेयर करिए कुकीज सस्ता है कि महंगा है। हम बोलते हैं महंगा जबकि ये बहुत सस्ता है क्योंकि इसके अंदर स्पायरमा डाला है, स्पायरमा डाला है। स्पायरमा का अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये स्पायरमा का बेनिफिट्स कितने बेनिफिट्स हैं उसके, उसके अलावा इसमें बाजरा रागी का आटा यूज किया है, मैदा यूज नहीं किया, और सबसे डेंजरस है मैदा हमारे बॉडी के लिए। जितने भी डेयरी आइटम ज्यादा दाम में मिलते हैं सब मैदा के मिलते हैं। मैदा मालूम है आपको क्या है? वेस्ट है, वेस्ट जो गेहूं वगैरह होता है उसका जो वेस्ट निकलता है वो अमेरिका में अलग काम के लिए यूज किया जाता है। जनरली उसका मैदा जो है वो अलग काम के लिए यूज किया जाता था, इसको इंडिया में अभी यूज करने के लिए पोस्टर चिपकाने के लिए यूज करते हैं। पोस्टर होता है, पोस्टर चिपकाने के लिए बड़ा अच्छा है, जितने भी पार्टी वगैरह है पोस्टर चिपकाने के लिए यूज करते हैं मैदा। वो मैदा एक अननेसेसरी बेसिस पे कोई गुण नहीं है, बस टेस्ट है था। वो हम चीज क्या कर रहे हैं जनरली ज्यादा क्योंकि थोड़ा टेस्ट आता है इसमें, हम खाते हैं इवन समोसा भी हमारा मैदा का ही है, वो भी एक एसिडिक फूड है, मैदा भी एक एसिडिक फूड है। आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए, अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए मैदा का। ओके, अब इसके में इसमें दो अलग अलग फॉर्म के हैं, दोनों जीएल, इसके अंदर जीएल प्लस कोको है, जीएल प्लस कॉफी मिक्स किया गया है। आपको जिस टेस्ट में चाहिए उस टेस्ट में आपको जीएल इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि ऑर्गेनिक जर्मेनियम ज्यादा है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम देगा स्पेशली बच्चों को हम देंगे कुकीज, हेल्दी कुकीज, बाहर की कुकीज ना देंगे, हेल्दी कुकीज हम उनको देंगे तो उनको फायदा मिलेगा। हम भी उसको यूज कर सकते हैं, हम कभी इसको एक पैकेट अगर हम हमारे हाथ में लेगा कभी खाना नहीं खा पाए डाइटिंग कर रहे देखिए दो दो कुकीज खाएंगे तो एक तो हमें एनर्जी भी मिलेगा, पोषक तत्व भी मिल गया हमारे बॉडी को जीएल के थ्रू, और एक अच्छा खाना भी हो गया। ठीक है, उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। कोको इसमें डाला है, इम्यून सिस्टम इम्यून पावर बढ़ाता है, इसका टेस्ट और बढ़ जाता है कोको डाल। तो तीन वैरायटी में आपको दिया है, किस वैरायटी में आपको चाहिए उस वैरायटी में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्पायरमा। स्पायरमा एक कंप्लीट फूड सोर्स है, 65% प्रोटीन, वो भी कौन सा प्रोटीन? नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी बिल्डिंग बॉडी अच्छे से बनने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कई लोग चना वगैरह खाते हैं तो भी ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के लिए लोग कई लोग खाते हैं, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए पूरे ऑल ऑल डे प्रोसेस के लिए एनर्जी बनाने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो इसमें है फाइबर है, फैट है, ठीक है, वाइटामिन, क्लोरोफिल, इसमें नीचे देखेंगे आप क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ये क्लोरोफिल आपको सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, हरा रंग की हरी सब्जियां, हरे रंग की हरी सब्जियां उसी में क्लोरोफिल मिलेगा और कहीं नहीं। और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी में हर 120 दिन में ब्लड बनते रहना चाहिए, ये बनने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्लड से ही ज्यादा बीमारियां। आप कभी भी डॉक्टर के पास आते हो सबसे पहले ब्लड ही चेकअप करने के लिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड से ही ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो जो बेसिक अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ब्लड से फैला हो तो इमीडिएटली पकड़ना है, इसलिए ब्लड चेकअप के लिए अलग अलग चेकअप लिखते हैं। ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसीलिए ब्लड का बने रहना, अच्छा ब्लड बनना जरूरी है। 120 दिन में बॉडी ब्लड बनाता है, एक फैक्ट्री है बड़ी बनाने के लिए, उसको क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल मिलेगा हरे रंग के हरे सब्जियों में मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 400 ग्राम हरी सब्जियां डेली खाना है, कितने लोग खाते हैं डेली? ठीक है, खाने की इच्छा भी होती तो वो जो मार्केट में बताया वो देख के इच्छा नहीं होती खाने की। ये बटर सोर्स है स्पायरमा, आप यूज कीजिए, ठीक है। 10 कैप्सूल मैंने बोला तो सफिशियंट, एक गुड सोर्स है, इसमें प्रॉपर प्रोटीन हमारी बॉडी को जितने विटामिन मिनरल्स चाहिए वो मिलता है। इसको स्पाइरुलिना नाम क्यों डाला है? स्पाइरुलिना इसलिए नाम डाला है क्योंकि इसका शेप जो है स्पाइरल शेप, इसको जो माइक्रोस्कोप से देखा गया इसका शेप जो है स्पाइरल शेप में है। इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट
फूड है, साइंटिस्टों ने बोला है इसको ये ग्रीन गोल्ड के नाम से ही इसको जाना जाता है। अभी आप देखेंगे इसमें 60 से ज्यादा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन उसमें से 46 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, हमारे शरीर को जितनी मात्रा में जिस प्रोपोर्शन में चाहिए उसी मात्रा में इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया हुआ है। और इसका हिस्ट्री आप देखेंगे पहले के जमाने में इस तरीके से लोग इसको, क्योंकि ये जनरली ये जो समुद्र होता है समुद्र में ये बनता है ठीक है, बट वहां पे क्या है इसका जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जो है इसको एक स्विमिंग पूल टाइप बनाते हैं उसमें इसको कल्टिवेट किया जाता है ठीक है, शुद्ध पानी वगैरह यूज करके इसको इस तरीके से स्विमिंग पूल टाइप बनता है, इसके अंदर वेव क्रिएट किया जाता है और वहां पे स्पाइना का पाउडर स्पाइना जो होता है इसको उगाते हैं, उगाने के बाद इसको सुखाते हैं, सुखा के इसको पाउडराइज करके इसको कैंडी फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में दोनों फॉर्म में अवेलेबल है उस फॉर्म में हम लोग देते हैं। इसको बाइबल कुरान वगैरह में इसको मन्ना के नाम से भी बोला गया है ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट फूड है ये। इसको अलग अलग तो 120-360 के कैप्सूल्स में होटल्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें है ओके, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तब देखिए फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, आयरन वाले बहुत सारे फूड आइटम मार्केट में मिलते हैं बट प्योर नहीं मिलता है। तो आयरन जनरली आप देखेंगे प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर जब लिखते हैं दवाइयां आयरन की गोली लिखते हैं, फॉलिक एसिड की गोली लिखते हैं इसको चाहिए होता है। आप यहाँ देखेंगे फॉलिक एसिड नेचुरली फॉलिक एसिड इसमें अवेलेबल है, नेचुरली आयरन इसमें अवेलेबल है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो बॉडी को जो जनरल वाइटमिन्स आप वाइटमिन देखिए वाइटमिन B1 B2 B3 B6 और B12 एक ऐसा वाइटमिन है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज आइटम में ही होता है, ओनली नॉन वेज। तो जो वेजिटेरियन है कितने लोग यहाँ वेजिटेरियन लोग बैठे हैं, ओनली वेजिटेरियन है, तो आपको एक चीज की कमी है वो है वाइटमिन B12। वो कमी आपको किस प्रॉब्लम में लेके जा सकते हैं, वो कमी विटामिन B12 क्यों जरूरी है, विटामिन B12 इसलिए जरूरी है कि हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो हमारा अंदर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करने में रेड जो लाल रंग की जो ब्लड सेल्स है उसको बनाने में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्व्स की जो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका जो फंक्शन है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और विच इंक्लूड्स ब्रेन स्पाइनल कोड जो हमारा मेन नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड भी आता है, जगह ये भी आता है इसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है विटामिन बी। जितने वेजिटेरियन वाले हैं जिन्होंने हाथ चौंकाया उनको ये चीज नहीं मिलेगा तो आपको इन फ्यूचर में जाके इसकी कमी की वजह से विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपको ब्रेन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपके ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ नॉन वेज आइटम में मिलता है। तो आपके लिए यहाँ पे जो साइंटिस्टों ने जब रिसर्च किया तो एक ही ऐसा फूड सोर्स पाया जो प्योर वेजिटेरियन है जिसके अंदर विटामिन B12 है, विटामिन B12 सिर्फ एक ही वेजिटेरियन फ्रूट के अंदर है वो है सिरना के अंदर ही विटामिन B12 ₹3-4 का आता है और इसमें आप देखेंगे कितने आइटम हमें खाने से क्या मिलता है वो चीज इसमें हमें अवेलेबल होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग जितनी भी चीजें खाने से जो हमें मिलता है वो इसमें अवेलेबल मिलता है। अब इसमें एक चीज और स्पाइना में बताना चाहूंगा, इसमें GLA होता है, GLA ठीक है, ये GLA सिर्फ माँ के दूध के अंदर ही पाया गया और GLA
बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट भी डिलीवरी होने के बाद उसको बोला जाता है इतने टाइम तक माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है और कुछ नहीं देने का है, क्योंकि उस माँ के दूध के अंदर GLA होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। वो माँ के दूध के बाद सेकेंड जो सोर्स है GLA का वो सिर्फ स्पर्म। तो GLA के क्वांटिटी से प्रेग्नेंट लेडीज को भी अगर हम GLA स्पर्म अच्छे से देते हैं तो आयरन फोलिक एसिड वगैरह उनको अच्छे से मिलता है, साथ में GLA वगैरह बॉडी में माँ के दूध के अंदर आने में बनने में मदद करता है, उनको बहुत ही हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है स्पर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये अल्कलाइन फूड है तो आपकी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बनाए रखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक आप चार्ट देखेंगे, हम बोलते हैं ना महंगा है कहां से महंगा है, इसके अंदर अगर 12 कैप्सूल स्पर्मा का अगर आप लेते हैं 12 कैप्सूल के अंदर जितना वाइटामिन बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन करके एक एलिमेंट है, 12 कैप्सूल के अंदर जितना बीटा कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन लेने के लिए आपको 225 एप्पल 14 बोतल ऑफ मिल्क पीना पड़ेगा, 14 बोतल दूध 225 एप्पल कितना रुपए हो गया 12 कैप्सूल 3 × 12 40-50 रुपए हो गए। एक कंप्लीट फूड सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे घर में हमारे फैमिली में इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखना है, भूलना नहीं है इसको खाने के लिए, हर आदमी घर का इसको खाना चाहिए। हम देखेंगे कंपेयर करके देखेंगे फूड सोर्स से मिलता है बट उसके कंपेरेटिव भी आप देखोगे वो सब चीजें कंप्लीट एक खजाना है न्यूट्रिशन का स्पर्म। अब यहाँ पे इस स्पर्म को नासा के जो जितने साइंटिस्ट है उसको प्रमोट करते हैं, स्पर्म को यूज करते हैं वो लोग एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं स्पर्म लेके जाते हैं वो खाना वगैरह लेके उनको सिर्फ सर्वे करना है तो इतनी स्पर्म के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन है तो वो खाते वो लोग स्पर्म अलग अलग फॉर्म में वो लेके जाते हैं। इसको गोल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट फूड बोला गया है और जनरल इसके बेनिफिट्स एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, वेट लॉस करने में अगर ज्यादा हैवी लॉस हैवी वेट है तो उसको मेनली मदद करता है, शरीर की बॉडी को सपोर्ट करता है टोटली, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है बढ़ाने कम करने में और एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल है इसमें और एंटी कैंसर एक्टिव भी इसमें। ये स्पर्म के बेनिफिट्स हैं।